हाय आई एम वॉन। तुमने एनीमे नहीं देखे है ना? देखा है क्या? अगर देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो शुरू करना चाहते हो? अगर हाँ तो मेरे पास 3 ऐसे सजेशंस है जो कि मुझे लगता है अगर उससे शुरू करोगे तो मतलब मज़ा आएगा। मैंने खुद ने इस नंबर 1 से शुरू किया था, वन पंच में। अगर पॉप कल्चर को फॉलो करते हो तो कहीं तो इसे देखा होगा, इस गंजे सुपरमैन को। मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन देखो ये शो ही वैसा है, बहुत ही फनी और कुछ कुछ जगह पर बहुत सीरियस। लेकिन अगर एक्शन की बात करूँ तो जैसा इस एनिमे का नाम है, या इट टेक्स ओनली वन पंच। और ऐसा नहीं कि बस ऐसा हल्का सा मार दे तो भी मर जाए ऐसे टप करके, लेकिन जब वो बोले सीरियस सीरीज, सीरियस पंच, और वो भी सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ, तो कोई भी हो, यहाँ का हो या कहीं आउटर स्पेस का, कोई भी गैलेक्सी से आया हो, बस ये पड़ जाए ना तो ची थड़े उड़ जाते हैं। बट समटाइम्स सेकेंड एनिमे, और ये मैंने थोड़ा हेवी रख दिया है, अटैक ऑन टाइटन, पता ही है तुम्हें है ना? देखो ये मेरा पहला एनिमे बन सकता था, मगर मैंने इसका एपिसोड 1 पूरा देखा ही नहीं। और मतलब तुम देखना, देखो पूरा एपिसोड देखना, भले ही तुम्हें शुरुआत में लगता हो कि नहीं समझ में आ रहा, लेकिन पहला एपिसोड पूरा करना, वहाँ से तुम रुक नहीं पाओगे। और हाँ, अगर तीसरे और चौथे में भी थोड़ा बहुत बोरिंग फील हो तो चौथे की एंडिंग तक रुक जाना, फिर वहाँ से मेरा काम खत्म, मुझे तुम्हें और पुश करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि उसके बाद तुम खुद ही देख लेना। और अगर सच में इसी से शुरू करते हो तो प्लीज़ बताना यहाँ कर कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, भूलना मत। सो थर्ड एनिमे, और ये मैंने थोड़ा लाइट रखा है, फन एनिमे है, स्पाई एक्स फैमिली। अगर ऊपर से लग रहा हो कि ठीक है, नहीं सच में बहुत अच्छा है, मैंने भी यही गलती की थी, लेकिन जब मैंने देखा तो मैं ऐसे था कि अरे ये तो बहुत अच्छा है। इसको देखते वक्त एक होलसम वाली फीलिंग मिलती है और अंदर से खुशी मिलती है, सच में। स्टोरी के लिए यही कहूँगा, स्पाई असैसिन और ये माइंड रीड कर सकती है, और ये तीनों सगे नहीं है, साथ में एज अ फैमिली रहते हैं, मिशन और अपने बेनिफिट के लिए, स्टिल दे आर अ फैमिली एंड इट्स जस्ट सो ग्रेट टू वॉच देम।